मेरा नाम मिल्खा सिंह, मैं SRTC रिटायर्ड यूनियन का चेयरमैन हूँ और मेरे साथ जो मेरे साथी आए हैं ये सब रिटायर हैं। हमने 5-5, 6-6 साल हो गए रिटायर हुए और हमें पिछला कोला लिविंग कास्ट ऑफ लॉन्स और 6 पे का एरियल ये डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, लिहाजा हमने कोर्ट में केस किया। कोर्ट से हमने केस जीता और 3 साल हो गए कोर्ट ने हमारे हक में दे दिया और हम जब महकमे के पास जाते हैं तो ये हमें पैसे नहीं देते, दर बदार करते हैं। अब हम बूढ़े आदमी हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ इस धूप में इस धरती में ये हम कहाँ जाएंगे। लिहाजा हम 13 आदमी से 13 महीने से 2 हमारे से बिछड़ गए और एक पिछले हफ्ते उसकी डेथ हो गई, एक पहले 6 महीने डेथ हो गई थी तंगी तोसी की वजह से। साथ अभी डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? डिमांड हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पिछला बकाया है वो जब कोर्ट ने फैसला हमें दे दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। हम जो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, अपने DPCM साहब जो हमारे इस वक्त ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, महबूबा जी से मैं करते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि हमारे पर रहम किया जाए, हमें हमारा हक दे दिया जाए। हमारा हक बनता है, कोर्ट ने और न्यायपालिका ने हमारे हक में फैसला दिया है, इसलिए हमें हमारा हक दे दिया जाए। हम बूढ़े लोग खजल हो रहे हैं, दरबदार हो रहे हैं, पेंशन हमारी है नहीं है, इसलिए जो 7-8 लाख रुपया मिला था, किसी ने बच्चे की शादी कर दी, किसी की पढ़ाई पर लगे, तो लिहाजा हमें पैसे की ज़रूरत है। अब आज के दिन हमने कहीं डॉक्टर के पास BP चेक कराने को भी ज़्यादा 10 रुपये लेता है, वो इतने दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं, हम दर बदार होंगे। लिहाजा हमारा अगर सही हक बनता है तो ये सरकार हमको दे दे, हम